इंटरनेशनल बिजनेस और इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन पहले, शेर और शेर और तो तो so, क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस और कैसे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट फैक्टर्स का जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं सो so, ये एक डायग्राम है जो मैंने इग्नो के एक बुक से लिया है इग्नो का जो एक रीडिंग मटीरियल है उससे लिया है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक पिक्चर में बताया हुआ है कि हाउ या वॉट आर द फैक्टर्स दैट विल इंफ्लुएंस योर बिजनेस योर इंटरनेशनल इंडेवर्स योर इंटरनेशनल बिजनेस वेन यू आर प्लानिंग टू डू एनी बिजनेस विच इज क्रॉस बॉर्डर विच इज अक्रॉस योर बॉर्डर विच इज क्रॉसिंग योर नेशनल बाउंड्रीज डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी वो क्या फैक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में एक nutshell में इस diagram में एक नक्शल इस डायग्राम बताया हुआ है तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए डोमेस्टिक इन्वायरमेंट तक ये आपकी कंट्री का इन्वायमेंट है मतलब सबसे पहले तो आपका कंट्रोलेबल ये जो इनर सर्कल है हम इसके बारे में बात करते हैं पहले इनर सर्कल द कंट्रोलेबल फैक्टर्स किसी भी बिजनेस में हम बहुत सारे चीजें होते हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती अनकंट्रोलेबल होती है लेकिन इन दोनों फैक्टर्स का इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होता ही होता है तो जब सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में बात करें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स मतलब वो सारे फैक्टर्स जो विद इन द बिजनेस है जो कि हमारा प्रोडक्शन हो सकता है हमारा फिनंस हमारा फॉरन सॉरी uh, uh, हमारे ह्यूमन रिसोर्स हमारी मार्केटिंग और हमारा बिजनेस जैसे एज एन कंपनी आई एम ऑपरेटिंग इन इंडिया ये मेरा एक बिजनेस आइडेंटिटी हो गया हमारे बिजनेस के अंदर मेरे खुद का कंपटीशन है मेरे खुद का uh, मेरे खुद के यहाँ का प्रोडक्शन हाउस मेरा खुद का फिनांस विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री अदर कंपनीज मेरे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं जो मैनेजमेंट टीम है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी दूसरों से जो कि सेम कंट्री में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ की मेरे खुद के मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होगी विथ माई कॉम्पटिटिव पियर्स तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है हमारे का, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है इसलिए हम उसको कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं कंट्रोलेबल के बाद जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है अनकंट्रोलेबल तो वहां पे तो सबसे पहले आप मान लीजिए आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं एज एज अ अ कंट कंपनी और आप अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो आपके डोमेस्टिक मार्केट में हैं वो आपके साथ कॉम्पीट करना छोड़ देंगे या आपको बोलेंगे कि नहीं भैया तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम ही जाओ दूसरे कंट्री में बाकी हम तुम्हारे पीछे बैठे हैं वहां पर तुम जो भी करोगे हम यहाँ संभाल लेंगे नहीं ऐसा नहीं होता यहाँ का भी आपका जो कॉम्पिटिशन है आपको उसके साथ भी कंपीट करना ही करना है यहाँ का जो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है आपको उसको भी ध्यान रखना है यहाँ के क्लाइमेटिक इकोनॉमिक क्लाइमेट के बारे में देखना है इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में पहले सर्वाइव करेंगे क्योंकि स्टेजेस में आपने पढ़ रखा है कि सबसे पहले एक डोमेस्टिक कंपनी अपनी कंट्री में सर्वाइव करती है उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में इंटरनेशनल जाती है तो दूसरा स्टेप है उसका इंटरनेशनलाइजेशन मतलब कि हम फॉरेन इन्वायरमेंट में चलेगा फॉरेन एनवायरमेंट में भी बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं फॉरेन देखिए डोमेस्टिक के बाद फॉरेन मतलब हम एज एज अ अ कंट्री कंपनी हम अपने कंट्री में काम कर रहे हैं इज अ डोमेस्टिक जैसे ही दूसरी कंट्री में हम जाकर के काम करेंगे वो हमारा फॉरेन एनवायरमेंट हो गया ठीक है और हम दोनों अकेले काम नहीं कर रहे हैं हमारे साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं प्लस हम जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं वहां का फॉरेन फॉरिनमेंट तो है ही लेकिन हम दोनों दो को मतलब इंडिया और यूएस मान लीजिए एज एन इंडियन कंपनी आई एम ट्रेडिंग समथिंग टू यूएसए और तो हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है वो भी वो किसी ना किसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन सब के थ्रू बाउंडेड होता है हम अपनी मर्जी से इंडिया और यूएसए काम नहीं कर सकते वो सब बाउंडेड होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल स्टडी इन डिटेल्स तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स में पहले भी बात करी कंट्रोलेबल फैक्टर्स हमारा प्रोडक्शन हमारी मार्केटिंग हमारा ह्यूमन रिसोर्स और हमारा फाइनेंस ये कंट्रोलेबल क्यों है क्योंकि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे आई कैन कंट्रोल कहां से मेरा पैसा आएगा पैसा कहां लगाएंगे कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट इज सोनली माय डिसीजन

आउट ऑफ होम मार्केटिंग कर रही हूँ me. या फिर कोई भी की कोई उसको नहीं करती, ये हम डिसाइड करते हैं।, और आप, आप खुद कर रहे हैं आप अपने के बारे में मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स बट बिजनेस में सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता जैसे ही आप अपने बिजनेस के बाहर मतलब देखते हैं तो वैसे ही आपको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का सामना करना पड़ेगा इंटरनेशनल बिजनेस में डोमेस्टिक फॉरन और ग्लोबल तीनों तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे डोमेस्टिक एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें होंगी डोमेस्टिक एनवायरमेंट में आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर मतलब डोमेस्टिक मार्केट में आपके कौन है कॉम्पिटिटर्स आपको किसके साथ कम्पीट करना है आप ही क्यों इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं बाकी आपके साथ कौन जा रहा है या नहीं जा रहा है क्या आपके कॉम्पिटिटर्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस वो करते हैं या नहीं करते थिंग्स इंटरनेशनल बिजनेस अफेयर और इंटरनेशनल बिजनेस फॉर इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर उसके बाद आपके यहाँ का क्लाइमेटिक इकोनॉमिक क्लाइमेट आपके यहाँ का पोलिटिकल And legal forces. अगर आपकी आपको नहीं करती कि आप यहाँ से आप अपना सामान बेच नहीं और लेकर में बैन होता है बहुत सारे products के ऊपर। आप आप उसको उसको बेच नहीं सकते, आप उसको दूसरे कंट्री में ट्रेड नहीं कर सकते इम्पोर्ट में भी बहुत सारी चीजों पे बैरियर्स लगे हुए होते हैं जब आप इम्पोर्ट करते हैं वहां पे ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स होते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं तो पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस जो आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज्वाइंट uh, वेंचर्स आपके असेंबली आपके कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस तो का ध्यान रखना है climatic conditions का। ये नहीं कि बारिश हो रही है इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसी है उसके बारे में ध्यान रखना है कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर इन तीनों चीजों को मिलाकर के हमारा डोमेस्टिक एनवायरमेंट बनता है जो हमारे बिजनेस को इधर पुश या पुल की तरफ ले जाएगा पुश मतलब हमारे मार्केट में सैचुरेशन मिल रहा है हमारा कंपटीशन हमारा बहुत फियर्स हो रहा है हमारे यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन कर पा रहे हैं ये सारे हमारे पुश फैक्टर्स हैं जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस में लाइक वी आर पुशिंग समथिंग हम यहाँ से मतलब हमें जाने के लिए मजबूर है तो डैट इज वन वे ऑफ गोइंग टू इंटरनेशनल बिजनेस अदर वे आउट इज मुझे दूसरे मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए भी जाते हैं तो दीज थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इन टू एनी ऑफ द फॉरन मार्केट्स तो जैसे ही आप अपने फॉरन मार्केट में गए वहां के जोग्राफिक इन्वायरमेंट मान लीजिए वहां का डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट वहां की जोग्राफी कैसी है डेमोग्राफी कैसी है आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट कैसा है जैसे मान लीजिए आप किसी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे ऐसी कंट्री है जोग्राफिक कंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्योग्राफिक कंडीशन की वजह से आपके ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो ज्योग्राफिक एनवायरमेंट देखिए जो आपके सप्लाई चेन के लिए सुटेबल हो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट वहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है परचेजिंग पावर क्या है अगर वो रिसेशन में है डिप्रेशन में है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किस तरह का कंडीशन है वहां पर ये भी हमको चेक करने की जरूरत है ठीक है तो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां का इकोनॉमिक और फिनेंशियल फीमेल किड्स का सामान लेकर कनाडा चले गए या फिनलैंड लेके जा रहे हैं जहां पर जो पॉपुलेशन बहुत एजिंग पॉपुलेशन हो गई है तो शायद हमारे लिए वो उतना मार्केट फेवरेबल नहीं होगा लेकिन वही डेमोग्राफी के कंटेक्स में बात करें तो इंडिया चाइना

बर्गर्स को बेचने वाले मैकडोनल्ड इंडिया में आकर के आलू टिक्के बेचना स्टार्ट कर देती है तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट उस जगह का जहां पे आप जा रहे हैं उसको प्रॉपरली स्टडी करिए तभी आप कोई प्रोडक्ट लेकर के जाइए आप गूगल आप इवन फेसबुक में भी देखते होंगे कि, कि किसी के कल्चरल और रीजनल और रिलीजनल फेथ को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते कम्युनिटी हारमोनी आपको बनानी है तो कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब भी आप क्रॉस बॉर्डर जाते हैं तो सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट इकोनॉमिक आप एक्सपोर्ट वहां पे गवर्नमेंट अलाउ करती है नहीं अलाउ करती इम्पोर्ट अलाउ करती है नहीं करती है वहां पे uh, कौन से प्रोडक्ट पे बैन है किस प्रोडक्ट पे नहीं है लीगल इन्वायरमेंट वहां की बेसिकली मैं बात कर रही करी तो लीगल इन्वायमेंट वहाँ का कैसा है इकोलॉजिकल इंटर एफ आम कंपनी विच इज सेलिंग से सपोज फैन और मुझे मैं अंटार्क्टिका में चली गई अपना फैन बेचने के लिए हु बाय माय फैन ओवर दैट प्लेस तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी वहां का कैसा है तो दीज आर द फैक्टर्स जो आप जब भी कोई कंट्री चूज करते हैं जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी फॉरेन कंट्री तो उस समय आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है वंस यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री फॉर योर बिजनेस आप और आपका जो फॉरेन कंट्री है यही नहीं है जो पूरी दुनिया में अकेले हैं इन सब के ऊपर भी किसी की छत्र छाया होती है जो कि हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं ये एक छत्र छाया बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की होती है ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डब्ल्यू जैसे कि नाफ्टा जैसे कि अंग ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस को गवर्न करती है आपने मान लीजिए किसी कंट्री के साथ कोई अग्रीमेंट कर रखा है आपकी कंट्री ने या जिस भी कंट्री में आप अपना बिजनेस जो भी फॉरेन कंट्री में आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं उसका किसी और अदर कंपनी अदर कंट्री के साथ अग्रीमेंट है जो कि अलाउ नहीं करती कि आप किसी और कंट्री से कोई सामान सोर्स करें तो आप कितना भी अच्छा आप सामान लेकर के जाए हो सकता है कि वो कंट्री आपको अपने कंट्री में अलाउ नहीं करे तो ट्रेड आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्न करती है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स के बीच में क्या अग्रीमेंट है जैसे कि यूरोपियन यूनियन एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है जैसे कि नाफ्टा एक इकोनॉमिक ग्रुप्स है जैसे कि आपका एशियान ब्रिक इन सब के बीच में अपना ट्रेड अग्रीमेंट है ये ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली इट्स ये फ्रेंड नेशन फेवर्ड नेशन मिल करके बनाते हैं जो एक दूसरे के बिजनेस में सपोर्ट करते हैं वो बिजनेस को ज्यादा स्मूथली कैरी आउट करने के लिए हेल्प करते हैं एक दूसरे को लेकिन वो साथ में एक ये भी चीज होती है कि ये रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स आपस में बहुत प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करते हैं और वो किसी दूसरी कंट्री के कंपनी को इंटर करने नहीं देती है बहुत बार तो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेस धरे के धरे रह सकते हैं अगर वो कंट्री आपको अलाउ नहीं करती आपके यहां पे आने के जैसे कि न्यूजीलैंड आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एप्पल्स को लेकर के होता है कि वो ट्रेड को बिल्कुल ही बैन कर देती है या फिर उसमें बहुत सारे चार्जेस लगा देती है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम चारों तरफ रेशन मंदी बिजनेसेस नहीं हो रहे हैं लोग बहुत कंपनी लॉसेस में चल रही हैं तो ग्लोबली जो इकोनॉमिक इन्वायमेंट है वो बहुत स्लो डाउन की तरफ जा रहा है बहुत हम रिसेशन डिप्रेशन का केस देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप, आप सोचेंगे कि आपके बिजनेस को बहुत ग्रोथ मिलने वाली है एकदम तुरंत आप स्टार्ट करें और आप डबल डिजिट में ग्रोथ में चले जाए तो अगर इकोनॉमिक एनवायरमेंट स्लो डाउन की तरफ है तो आपका बिजनेस उस वक्त ग्रो नहीं कर पाएगा ये और ये कर भी सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट लाइक अगर कोरोना के मार्केट में सारे बाकी अदर मार्केट्स को थोड़ा नुकसान हो रहा है तो वहीं पे दवाइयों का बिजनेस काफी फ्लरिश कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट रीजनल एंड ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड है जब भी आप किसी फॉरेन में फॉरेन कंट्री में आप अपने ट्रेड को लेकर के जा रहे हैं तो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट और इसका जो रिलेवेंस क्यों है वाई वी नीड टू नो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट वाई नीड टू Scan उसके पीछे ये सारे रीजन सबसे पहले तो इंटरनेशनल बिजनेस तो में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दो सवाल होते हैं कि जहां हम अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं क्या वहां का मार्केट पोटेंशियल इतना है कि हम वहां पर अच्छे से सस्टेनेबल बिजनेस कर सकें और अगर ऐसा है अगर आपको पोटेंशियल लगता है तो क्या व्हाट आर द मेथड्स टू एंटर दोज मार्केट कैसे हम उस मार्केट में एंटर कर सकते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करने के पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये है कि आप किसी भी मार्केट का मार्केट पोटेंशियल जज कर पाए और वहां पे एंट्री का मोड आइडेंटिफाई कर पाए जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अलाउ नहीं करती कि आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस वहां लेकर के शिफ्ट करें अपना प्रोडक्शन बेस वहां पर शिफ्ट करें या पूरी मार्केटिंग एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हैं वो सिर्फ अलाउ करते हैं कि आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वॉट आर द वे जिसके थ्रू आप एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर मार्केट में वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट जानना जरूरी है स्केल ऑफ प्रोडक्शन आप मार्केट पोटेंशियल जानेंगे तभी आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड कर पाएंगे लेबर डिप्लॉयमेंट कैसा होगा हो सकता है जैसे कि कि आपको ग्लोबल uh, कंपनीज के बारे में पता है कि वो ऐसी जगह पे कंट्री चूज करते हैं लेबर डिप्लॉयमेंट कहा कौन से कंट्री को हम चूज करेंगे अपने लेबर को कैसे डिप्लॉय करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन डिसाइडिंग ऑन हाउ टू फस फर्म्स फिनांस फर्म्स फॉरन ऑपरेशन कैसे वहां पे अपने कैसे हमारा जो पैसा है और हमारा जो फॉरेन सब्सिडरी है उसमें वो पैसा हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कैसे अपने फाइनेंस से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो भी हमने किया है उससे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पा सके मैक्सिमम ठीक है तो ये सब डिसाइड करने के लिए भी हमको इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने की जरूरत है और खासकर पॉलिसेंट्रिक अगर आप अप्रोच में जा रहे तो पॉलिसेंट्रिक अप्रोच मतलब एवरी कंट्री इज डिफरेंट और हर एक कंट्री के हिसाब से आपको मार्केटिंग मिक्स बनाना है तो अगर आप वहां के बिजनेस इन्वायरमेंट को आप उसके फॉरेन इनवायरमेंट को अगर आपने स्टडी नहीं करी तो आप बना ही नहीं सकते तो को करना है एंड टू कंपनसेशन एन एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन का क्या तरीका है जैसे इंडिया में हम मंथली सैलरी रहते हैं कैनेडा में दे टेक दे चार्ज ऑन आर्ली बेसिस और कोई आपको एक दिन के हिसाब से पे कर सकता है कोई आपसे पेमेंट वीकली ले सकता है कोई फोर्टनाइटली ले सकता है इंडिया में इट इज ऑलवेज सैलरी बेस सैलरी इज ऑलवेज मंथली तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री कंपनसेशन का स्टाइल भी डिफरेंट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है कहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा कहीं पेरोल हो सकता है कहीं पे परमानेंट जॉब्स देने पड़ेंगे आपको तो दीस दीस आर द पॉइंट्स जो कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप एंटर कर रहे हैं वहां के एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को जानने में इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग आपको हेल्प करेगा तो दिस दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस बोथ्स और मेथड सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट एनी Comment, you can always write to me at vijayata.rwc.com or comment in the comment section. Thank you very much. And please do subscribe to my channel.